हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ स्मोकी आई मेकअप लुक। तो ये स्मोकी आई मेकअप लुक मैंने पहली बार ट्राई किया है एंड ये करते वक्त मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो दोस्तों, स्मोकी आई मेकअप लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैंने आपको बोला था कि मैं ये ज़रूर सीखूँगी। तो फिर आई डोंट नो, इट माइट नॉट बी दैट परफेक्ट, बट आप भी मेरी तरह एक अगर बिगनर हैं तो ये आई मेकअप लुक आप ज़रूर ट्राई करिए। तो ये मेकअप लुक मैंने कैसे किया, रेडी है देखने के लिए? तो चलिए लेट्स डू इट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर, ये लगा के हो गया, इट्स डन। नाउ आई एम टेकिंग पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर। दोस्तों, गुड वाइब्स टोनर का एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी है, तो ये मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था, तो इसका लिंक अगर मिलता है तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, सो मॉइस्चराइजर लगा के हो गया, इट्स डन। नाउ आई एम टेकिंग इनसाइड प्राइमर, इट्स अ ब्यूटिफुल प्राइमर, आपके सारे ओपन पोर्स को फील करता है। ये लगा के हो गया, इट्स डन। नाउ आई एम टेकिंग मी नाउ आईब्रो पेंसिल, डार्क ब्राउन शेड है दिस, आई हैव परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट, काफी अच्छी है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट इसका कोई स्पूलिंग ब्रश नहीं है, इसके लिए मैं एक दूसरे आईब्रो पेंसिल का स्पूलिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो ये लगा के हो गया, आई एम फिलिंग अप माय बोथ द आईब्रोज। सो इट्स डन। नाउ आई एम टेकिंग कंसीलर, NYBA कंसीलर, थोड़ा सा मेरे आईलैशेस पे लग गया। ओके, इसे मैं अच्छी तरह से अपने हाथ से ही इसको मैं सेट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे आईज के ऊपर कंसीलर सेट करना हाथ से ही अच्छा लगता है, ब्रश में बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, आपको भी अच्छा लगता है? सो अभी मैं एक ब्रश के साथ आईब्रो फिल कर रही हूँ। सॉरी, आईब्रो को एनहांस कर रही हूँ, मैं भी क्या बोल रही हूँ, आईब्रो फिल कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। ये दोनों आईज को लगा के हो गया। दोस्तों, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहे थे, आई एम रियली सॉरी, बच्चे नीचे खेल रहे हैं मेरे सोसाइटी के नीचे। सो इट्स डन। उसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का रोज़ पाउडर कंसीलर को सेट करने के लिए, सीट बोल रही हूँ, कंसीलर को सेट करने के लिए। देन आई एम टेकिंग NYBA काजल स्मोकी आई का इफ़ेक्ट देने के लिए, इसे मैं लगा रही हूँ आईज पे। NYBA, ओ माई गॉड, वॉट अ पेंसिल दिस इज़, वेरी बटरी है, काफ़ी अच्छा है ये कोल काजल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो ये लगा के हो गया दोनों आईज पे, दूसरे आईज पे भी मैं लगा रही हूँ। कभी मैं एक बार मोटा काजल मैं ट्राई करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लगाते वक्त।
मैं अपने किसी वीडियो में मोटा काजल में ट्राई करूंगी, जरूर ट्राई करूंगी। सो इट्स डन। अभी मैं एक स्मजिंग ब्रश की हेल्प से मैं उसको स्मज कर रही हूँ अच्छी तरह से। दोस्तों, स्मोकी आई मेकअप लुक में स्मजिंग करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप स्मजिंग प्रॉपरली नहीं करते हो तो आपका इफ़ेक्ट वो आता नहीं है। मैंने तो ये पहली बार ट्राई किया है, तो माइट भी, मैंने जैसे अपने इंट्रो में ही बोला कि इट्स नॉट दैट परफेक्ट, लेकिन मुझे स्मोकी आई मेकअप लुक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इट्स सो अमेजिंग। तो इसे मैं स्मच कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लेता है बट आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा ये सब। तो ये स्मजिंग करके हो गया। नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट। उसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया एंड ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं अभी इसे क्रीज के ऊपर लगा रही हूँ। आपको अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में इसको लगाना है। ये लगाने के बाद आईज़ का एक अलग ही लुक आ गया। इट्स वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में आपको घुमाना है। ब्राउन शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप दूसरा भी शेड अगर आपको पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मरूनिश ट्राई कर सकते हैं, ब्लूइश ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट। उसमें से मैं ब्लैक कलर, मैट ब्लैक कलर लेके मैं अपने आईलिड्स पे उसको लगा रही हूँ। ये मेकअप लुक मुझे करते वक्त, तो आई मेकअप लुक करते वक्त तो इतना मज़ा आया एंड इट्स डन। अभी मैं काजल ले रही हूँ, NYB का ही काजल लिया मैंने, और अपने वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। मेरे वाटर लाइन पे काजल लगाते वक्त मेरी थोड़ी आईज़ मॉइस्ट है, इसके लिए पानी आता है। फिर मैं उसको वाइप कर रही हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का CC क्रीम एंड माई शेड इज बेज। इसे अच्छी तरह से अपने नेक एरिया, पूरे फेस के ऊपर लगा लीजिए, एल्स आपका नेक एंड फेस ये डिफरेंट लगेगा। ओके, इट्स डन। नाउ आई एम टेकिंग फेसेस कैनेडा की कॉम्पैक्ट एंड इसकी स्मेल इज सो अमेजिंग। दोस्तों, इसका भी अनबॉक्सिंग मैंने किया था लास्ट वीडियो में, वो वीडियो रहेगा मेरा। पाउडर तो काफ़ी कमाल की है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये पाउडर। हाईली रिकमेंड है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करिए। ट्राई करके मुझे बताइए कि फेसेस कैनेडा की पाउडर कैसी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। देन आई एम टेकिंग ब्लू हेवन का ब्लश। उसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का पैलेट, ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट। उसमें से मैंने दो शेड पिक किया एंड मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ फैन ब्रश की हेल्प से। दोस्तों, मैं एक वन ब्रांड मेकअप ट्राई करना चाहती हूँ, तो कौन सा करूँ ये आप ज़रूर मुझे बताइए। स्विस ब्यूटी करूँ या फिर ब्लू हेवन करूँ या फिर NYB करूँ, कमेंट करके जल्दी से बताइए मैं कौन सा करूँ। उसके बाद मैं अपने ब्राबोन को हाईलाइट कर रही हूँ, आईज़ के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ एंड इट्स डन। स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से मैं फिक्स कर रही हूँ। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है एंड लास्ट
मैं बेला वोस्ता का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मुझे पता नहीं, ये मस्कारा बहुत अच्छा लगता है, आईज़ को एनहांस करता है। मैं हमेशा मस्कारा भूल जाती हूँ, लास्ट में ही लगाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं फॉल्सीज़ नहीं लगाती, इसके लिए शायद मैं मस्कारा भूल जाती हूँ। सो ये डन हो गया। नाउ आई एम टेकिंग लैक्मे का पेंसिल, और सॉरी नॉट पेंसिल, लैक्मे का ये लिक्विड लिपस्टिक है, ये मैं ले रही हूँ। रेड शेड में है, काफ़ी अच्छा है। शेड का नंबर नहीं मुझे पता, लेकिन अगर मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। मुझे अभी नाउ आई एम नॉट रिमेंबर, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, एंड ओवरऑल द लुक वॉज रियली नाइस, एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो दोस्तों, कैसी लग रही हूँ मैं स्मोकी आई मेकअप लुक में, माई फर्स्ट एवर ट्रायल? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं हाउ आई एम लुकिंग, एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो पसंद करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।